नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट टिप्स की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो में किस प्रकार से अपनी वीडियो के साउंड यानी कि वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है और दो तीन फ्रेंड्स ने जो है हमसे कमेंट करके मालूम किया है कि हम अपनी वीडियो में अगर कहीं पे साउंड को लो या फिर हाई करने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको हम बिना वीडियो को कट किए किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस काइन मास्टर ट्यूटोरियल में आपको मैं यही बताने वाला हूँ, आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अपने स्मार्टफोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने अपने स्मार्टफोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको मीडिया ब्राउजर पे जाके अपनी उस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है जिस भी वीडियो में आप अपने साउंड यानी कि वॉल्यूम को एडजस्ट करना चाहते हैं जगह जगह पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने एक वीडियो की जो है यहाँ पे इंट्रो इंपोर्ट कर ली है। ये हमारा न्यूज का चाहिए तो आप एलईडी न्यूज सर्च करके यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एलईडी न्यूज हमारा दूसरा चैनल है। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, जब आप किसी भी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे तो इंपोर्ट करने के बाद आपको अपनी इस वीडियो लेयर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन से मिल जाएगा वॉल्यूम इनवॉल्व का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस ऑप्शन को अनेबल कर लेते हैं तो आपकी वीडियो लेयर पर इस प्रकार की एक व्हाइट लाइन जो है बन के आ जाती है और एक स्टार्टिंग में और आपकी एक वीडियो लेयर की लास्ट में दो डॉट दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली जहां पे अपनी आवाज को लो करना है वहीं पे इस जो टाइमलाइन की है आपको सुई सी दिखाई देती है, इसको इसके सामने ला करके यहाँ पे छोड़ देना है और आपको यहाँ पे ये डॉट का प्लस आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे एक डॉट रख देना है। सिंपली आपको बता दें कि आपको जहां तक भी अपनी वीडियो की साउंड यानी कि वॉल्यूम हल्के रखनी है आप वहां तक की इसको मतलब कि आगे की ओर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ तक जो है इसको कर लिया है, मैं इसको यहाँ तक अपनी वॉल्यूम को लो रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जहाँ पे 100% आपको दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से इस प्रकार से लो कर लूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 0% ये कर दिया है, चाहे तो आप 20, 21, 22, 25, 50 कितनी भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 0% कर देता हूँ। अब सिंपली आपको जो है अपनी थोड़ी सी वीडियो आगे बढ़ाने के बाद अपने वॉल्यूम को आप जो है फिर से मतलब कि हाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कितने वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पे अपने वॉल्यूम को 50 या फिर इतना कुछ रखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे 51 कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि फिर ये वॉल्यूम हमारा इस प्रकार से कुछ देर के बाद लो हो जाए तो फिर से आप इस प्रकार से लो कर सकते हैं और फिर आगे की ओर मतलब कि इसको स्वैप करके आप जो है इसके वॉल्यूम को हाई भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा ही, यानी कि 100 से नहीं सिर्फ यहाँ पे 200 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको वॉल्यूम को कितना हाई कर लिया है। तो अब हम प्ले करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारी ये वीडियो की साउंड अब सुनाई देगी। तो मैं यहाँ पे जो है चुप हो जाता हूँ और आपको इसकी साउंड सुना देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि कहीं कहीं पर तो आवाज जो है वो बिल्कुल लो हो चुकी थी यानी कि बंद हो चुकी थी और कुछ समय के बाद ही आपको जो है वहां से साउंड भी आने लगे थे और आपने लास्ट में देखा होगा यहाँ पर कि बहुत ही तेजी से जो है मतलब कि 200 की स्पीड पे वॉल्यूम जो है यहाँ पे आपको सुनाई दिए थे। दोस्तों, आप जो है क्या करते थे, पहले वीडियो पे क्लिक करके आप जो है इसको कट करते थे 20 से इस प्रकार से और फिर जो है आप अपने वॉल्यूम के बटन पे जाके अपने वॉल्यूम को एडजस्ट करते थे जिसमें जो है दिक्कत भी होती थी और फिर जो है अपना मनचाहा काम जो है अपने मनचाहे वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, ये ट्रिक जो है मैंने आपको बताई है क्योंकि मेरे पे 2-3 कमेंट मेरे फ्रेंड्स के आ चुके थे किस प्रकार से ये करना होगा या फिर ये वॉल्यूम इनवॉल्व का ऑप्शन जो है काइन मास्टर में किस प्रकार से कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ओपन कर लें ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली इस प्रकार की एडिटिंग की वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे और आप हमारी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने चैनल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।